परसों टाटा के एमडी आए थे मेरे पास, बड़े खुशी से मुझे अभी हम लोग नया यूनिट खरीद रहे हैं। मैंने बोला कितनी कैपेसिटी? बोले 3 गुना। अरे बोला क्या 3 गुना बढ़ा रहे, 100 गुना बढ़ाओ। एक बड़ी कंपनी है, उसको मैंने 5 साल पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक कार तुम तुरंत जाओ लॉन्च करो। नहीं नहीं, वी हैव फिक्स अ प्रोग्राम फॉर 2025। अभी आए मेरे पास अब सेल हो गया डाउन मैंने बोला आप क्या, नहीं हमारी गलती हो गई। हमारे पास टोटल वर्ल्ड का जो अभी स्टॉक है, वो जो बोल रहे हैं, वो 6% वर्ल्ड के लिथियम आयन का स्टॉक कश्मीर में मिला हमको, जम्मू के। हमने 20 लाख टन ये दिल्ली का कचरा रोड में डालने में यशस्वी हुए। पुरी साहब कहते कि हमारे यहाँ रिफाइनरी में बन सकता है, तो हमारे एक मंत्री जब वो बोलते नो नो यूर हाइड्रोजन नॉट ग्रीन हाइड्रोजन, बोला बनाने दो ना, स्काई इज द लिमिट है, जिसको जो करना है वो करने दो। परसों टाटा के एमडी आए थे मेरे पास, बड़े खुशी से मुझे अभी हम लोग नया यूनिट खरीद रहे हैं। मैंने बोला कितनी कैपेसिटी? बोले 3 गुना। अरे बोला क्या 3 गुना बढ़ा रहे, 100 गुना बढ़ाओ, क्योंकि इतना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है कि अब कोई भी सब कंपनी आ रही, दूसरा किसी को कहना नहीं पड़ता। एक बड़ी कंपनी है, उसको मैंने 5 साल पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक कार तुम तुरंत जाओ लॉन्च करो। नहीं नहीं, वी हैव फिक्स अ प्रोग्राम फॉर 2025। अभी आए मेरे पास अब सेल हो गया डाउन मैंने बोला आप क्या, नहीं हमारी गलती हो गई। एक बहुत बड़े उद्योगपति है, मैंने उनको जब कहा कि, तो उन्होंने कहा कि आपने जो जो बातें बताई, बीइंग ए पॉलिटिशियन हमको लगा कि होने वाला नहीं है, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, पर अब हमारी गलती हो गई। अब धीरे धीरे सब पलट गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर के 400 स्टार्टअप बन गए। परसों मैं कश्मीर था तो माइनिंग सेक्रेटरी और एलजी के पास मैंने उनको बताया, बुलाया, और मैंने उनको कहा कि 1200 टन लिथियम आयन हम हर साल इम्पोर्ट कर रहे हैं और बाहर ज़्यादातर चाइना से आता है, तुम ये फेज 1 फेज 2 ये काय का प्रोग्राम बना रहे हो, तुम जल्दी कुछ निकाल के तुरंत लग सकते हो, इसका कोई फास्ट ट्रैक फार्मूला तैयार करो। तो एलजी समझ गए, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल वर्ल्ड का जो अभी स्टॉक है, वो जो बोल रहे हैं, वो 6% वर्ल्ड के लिथियम आयन का स्टॉक कश्मीर में मिला हमको, जम्मू के पास, और अगर वो मिल जाएगा तो हम अभी भी $150 पर आवर पर उसका ये उसकी कॉस्ट थी बैटरी की, अब वो 115 पे आई, पर अभी मेरे हिसाब से वो $100 पे आएगी। फिर लोग पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक ज़्यादा आएगा तो फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, आज मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में बैठ के आया हूँ यहाँ। अब हाइड्रोजन तैयार करने में एक बात तो पक्की है कि ग्रीन हाइड्रोजन हम सबको प्रधानमंत्री जी ने उसका मिशन बनाया, पर जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम का है। पुरी साहब कहते कि हमारे यहाँ रिफाइनरी में बन सकता है, तो हमारे एक मंत्री जब वो बोलते नो नो यूर हाइड्रोजन नॉट ग्रीन हाइड्रोजन, बोला बनाने दो ना, स्काई इज द लिमिट है, जिसको जो करना है वो करने दो, कोई ग्रीन बनाएगा कोई ब्लैक बनाएगा, जिसमें दम होगा उसका दुकान चलेगा, आप क्यों किसी को रोक रहे हो। तो अभी जो इलेक्ट्रोलाइजर वाला है, वी आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइजर, पर 90% हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। पर अभी मैं बंगलोर में गया था, जो रामकृष्ण जी मुझे लेके गए थे, मुझे वो सबसे पसंद है, इंडियन केमिकल इंस्टीट्यूट ने क्या उसका नाम, जहाँ हम गए थे, उन्होंने उनके यहाँ पावर नहीं लगती, अभी 1 किलो हाइड्रोजन को 150 यूनिट पावर लगती, जो इलेक्ट्रोलाइजर के लिए नहीं 50 यूनिट पावर लगती। अब 50 यूनिट की पावर कम से कम तो 150 रुपये की होती है, तो ये हाइड्रोजन की कीमत $1 तक आनी चाहिए ऐसा हमको लगता है, ये सपना है, कठिन काम है पर आ सकती है। तो जो रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता होगा, और विदाउट पावर अगर हमने मीथेन से हाइड्रोजन मिलाया और अगर म्यूनसिपल वेस्ट को यूज़ किया तो जैसे, या बायोमास को यूज़ किया, तो हमारे यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन भी सस्ता आ सकता है। मैंने ये ब्लू एनर्जी करके कंपनी है, उनके एलएनजी ट्रक को लॉन्च किया, और उनका जो इंजन है वो फियाट का है। तो बीच में धर्मेंद्र प्रधान, मैं और प्रहलाद जोशी जी, वो बेंगलोर मैसूर हाईवे का इनॉग्रेशन करके हम लोग आते आ रहे थे, उस दिन रामकुमार और वैद्य साहब भी हमारे फ्लाइट में थे, तो हम लोग 5 लोग बैठ कर चर्चा कर रहे थे।
तो मुझे प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि साउथ ईस्टर्न रेल, इसमें हमारे पास इतना कोल है पर हमको रेलवे की रैक नहीं मिल रही। तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। मैंने 4-5 ट्रांसपोर्टर को बुलाया और मैंने कहा रेलवे के रेट में ट्रांसपोर्ट करोगे क्या? तो बोले कैसे संभव है। मैंने बोला LNG ट्रक लो आप, एक उनके पास 2-2 हज़ार ट्रक थे। तो बोले हम LNG लेते हैं। LNG का इकोनॉमिक समझ में आया तो वो तैयार हो गए। तो मैंने प्रहलाद जोशी को कहा छोड़ो रेलवे को, ये रेलवे का जितना रेट है उसमें तुम्हारा कोयला लाके ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये 40 टन का LNG ट्रक जो है वो डीजल की तुलना में उसका 60% ही खर्चा लगता है। तो नेचुरली ऐसे बहुत से ऑप्शन है जिसमें अपना मार्केट क्रिएट हो सकता है। और इलेक्ट्रिक में तो जब मैं कहता था तो हर रोज लोग पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। अब मेरे पास आते कि आउट ऑफ टर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी मुझे अलॉट करने के लिए वो तुम चिट्ठी लिखो। अब 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। अभी हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक्सपो हुआ, वॉल्वो ने, अनेक कंपनियों ने क्रेन से लेकर सब इलेक्ट्रिक पे बनाई, अभी ग्रीन हाइड्रोजन पे बनाई। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर अच्छा है। क्या बनाना आप तय करिए। अगर आप कल CBG बना रहे और वही थोड़ा सा अरेंजमेंट करके अगर आपने हाइड्रोजन बनाया, जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता है वो बनाओ। अगर CBG में ज़्यादा मिलता है तो CBG बनाओ, CBG के बजाय हाइड्रोजन में मिलता है तो हाइड्रोजन बनाओ। अभी बहुत दिनों से मैं पीछे लगा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू एडिशन। अभी एक 2-3 एक्सपेरिमेंट मैंने देखे, उन्होंने तो प्रूव किया, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। लार्ज स्केल पर CO2 से भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हमारे पार्टी में मैं अध्यक्ष था तो मैं बोलता था ये एग्रीकल्चर में ऐसा, तो मुझे एक बार अडवाणी जी ने कहा आप क्या इथेनॉल, इतना क्या होने वाला है इससे। तो मैं वो तब मुझे समझाने में लोगों को कठिनाई जाती थी, आज सब लोग बोलने लगे क्योंकि सबको कन्विंस हो गया। तो आउट ऑफ बॉक्स आइडिया को बेचने में समय लगता है। मैं कुछ दिनों से, 4-5 साल से एक कोशिश कर रहा था कि ये दिल्ली में कचरे के 3 बड़े बड़े माउंटेन हैं, गाजीपुर में और 2 जगह पर हैं, और इसको रोड में डालना, पर मुझे कुछ जम नहीं रहा था। अभी हमने सक्सेसफुली दिल्ली के रिंग रोड UR2 में हमने 20 लाख टन ये दिल्ली का कचरा रोड में डालने में यशस्वी हुए। अभी अहमदाबाद में भी हमने करीब 20 लाख टन कचरा डाला है। तो स्वाभाविक रूप से अभी हम लोग पॉलिसी बना रहे कि कचरे को सेग्रीगेट करके हम लोग किस प्रकार से इसके ऊपर अलाइड इंडस्ट्री को तैयार कर सकते हैं। लोगों में हम जब गए कि भाई अपनी गाड़ियों को कन्वर्ट करो, और उस समय गैस नहीं मिलता था तो लोगों की गालियां भी खाने को मिली, तो थोड़ी सी तकलीफें आई, पर अब फिर से परिस्थिति नॉर्मल हुई। तो प्रॉब्लम सभी इसमें आते हैं। आप कल ही मैं हमारे हमने क्रैश बैरियर बनाया बाम्बू का, और पहली बार ऑल टेस्टिंग एजेंसी ने उसको अप्रूवल दिए, वणी से यवतमाल तक क्रैश बैरियर बना। अब NHAI में हम लोग कम से कम 5,000 किलोमीटर क्रैश बैरियर बना रहे हैं जो बाम्बू का है, स्टील के बजाय रिप्लेस कर रहे हैं। तो बाम्बू ये ऐसा रॉ मटेरियल है कि जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। कुछ बाम्बू की स्पेसिस ऐसी है जो 1 एकड़ में 200 टन तक जा सकती है, और वेस्ट लैंड पड़ी हुई है जो कोल इंडिया है, मैग्नीज ओर ऑफ इंडिया है, माइनिंग की जगह है, वहाँ डंप पड़े हुए हैं। और बाम्बू ऐसा है कि जो कहीं भी लगा सकते हैं। हम लोग पावर में तो इतना बड़ा है कि अगर पावर में अगर कोल का अल्टरनेटिव के रूप में बाम्बू अगर तैयार होता है तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट। और इसलिए मटेरियल का सिलेक्शन जो है वो कौन सा करना, ये इस पे रिसर्च करने की ज़्यादा आवश्यकता है। रही बात मार्केटिंग की, अब तो हमारा 80% फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है। इथेनॉल का मैंने बोलना नहीं चाहिए कि मैं सरकार में हूँ, पर मंत्री जी ने हमारे कैबिनेट में बताया कि इथेनॉल खरीदी करके हमने कितना पैसा बचाया। अब वो अमाउंट मैं नहीं बताता आपको क्योंकि कभी कभी नहीं तो मैं सरकार के विरोध में बोला ऐसा अर्थ निकलेगा। इथेनॉल सरकार को बेचकर सरकार का फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। और इसलिए यहाँ सब्सिडी वगैरह इथेनॉल को देने की बात तो बाद में आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड की कीमतें बढ़ी
उसमें इथेनॉल के सपोर्ट में सरकार को अच्छा अच्छा हुआ है।